रूफटॉप के अंदर काफ़ी बार रूफ एरियाज का प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है बट स्पेस उसको सपोर्ट नहीं करी या प्रोजेक्ट नहीं लग पा रहा है, उस केस में मैं सोलार ट्री किस तरह से बेनिफिट हो सकता है उसके द्वारा, और अपकमिंग जो जहाँ पे लैंड का प्रॉब्लम है या जगह का प्रॉब्लम है वहाँ पे उसका हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर वंश से कि उससे उसके बारे में कुछ जानकारी दे। तो बेसिकली सोलार ट्री एक टाइप का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जहाँ पे जैसे कि सारी इंडस्ट्रीज़ को रिन्यूएबल पावर परचेस ऑब्लिगेशन होता है, आरपीओ होता है, सो दे नीड टू क्लियर दैट आरपीओ। सो उनके वहाँ पे उनको रिन्यूएबल एनर्जीज लगाना है पर वहाँ उनको लैंड ही नहीं है, या उनके जो प्लांट प्रीमाइसिस है या प्लांट की रूफ है उनको उतने 50% कैपेसिटी लगाने की भी जगह नहीं है, तो उनको वो सोलर ट्री के बिहाफ में हम वो सॉल्व कर सकते हैं। सोलर ट्री के अंदर कंपेयर टू नॉर्मल पावर प्लांट्स 90% लैंड हम सेव कर सकते हैं। जैसे कि एक किलोवाट अगर हमको रूफ पे या कहीं पे लगाना है तो 100 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया चाहिए उसके लिए। सो टू इंस्टॉल अ सोलर ट्री यू जस्ट नीड अ 10 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। सो हमने अभी 8 किलोवाट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर ट्री साणंद GIDC में इंस्टॉल किया हुआ है, तो 8 किलोवाट वी जस्ट नीड अ 10 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया फॉर 8 किलोवाट इंस्टॉलेशन। सो सोलर ट्रीज से हम और दूसरे और बेनिफिट्स है, जैसे कि आपके पास अगर 1 मेगावाट का प्लांट डालना चाहते हो, 4 एकर ऑफ लैंड आपके उसके लिए चाहिए, तो आपके पास अगर वो वेस्ट लैंड है वो आप यूज ही नहीं करना चाहते तो आप वो नॉर्मल 1 मेगावाट लगाओ, और उसके साथ में वो जो साउथ बाउंड्रीज है वो प्लांट की वहाँ पे आप सोलर ट्री इंस्टॉल करके यू कैन अचीव 1.5 मेगावाट, आप 500 किलोवाट और ज़्यादा अचीव कर सकते हो विद द सेम लैंड, तो आपके उसके लिए कोई एक्स्ट्रा लैंड का चार्ज भी नहीं पे करना पड़ेगा। और सोलर ट्री नेक्स्ट किसके लिए और ज़्यादा बेनिफिट है, तो सोलर ट्री का हम यस्टरडे वी जस्ट लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस फॉर 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर्स। सो 2-व्हीलर एंड 3-व्हीलर्स के लिए हम सोलर ट्री से मूवेबल एंड फोल्डेबल चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं जिसके अंडर में आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, स्कूटीज पार्क कर सकते हो, 3-व्हीलर पार्क कर सकते हो, और आप वहाँ पे प्लग एंड प्ले यू कैन चार्ज योर व्हीकल्स। सो फॉर एनर्जी सिक्योरिटी परस्पेक्टिव ऑल्सो वी हैड वन मॉडल दैट मूवेबल एंड फोल्डेबल ट्रांसपोर्टेबल सोलर ट्रीज। सो अगर कहीं पर कोई डिजास्टर होता है तो वो डिजास्टर के लिए आप जस्ट सोलर ट्री वहाँ पे इंस्टॉल करो और यू कैन गेट द एनर्जीज। तो बहुत सारे नीड है सोलर ट्रीज के, और जैसे कि अभी सभी को पता है कि स्मार्ट सिटीज सब बन रहे हैं, और स्मार्ट सिटी की एवरी स्मार्ट सिटी हैज अ कंपेंसेट दैट 10% ऑफ देयर सिटीज कंजप्शन शुड बी फ्रॉम सोलर। और जैसे कि गांधीनगर एरिया सबको पता है, तो गांधीनगर के लिए 12 मेगावाट का उनका कंजप्शन है, उनको 10% 2 मेगावाट भी लगाना है, तो सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वहाँ पे मैक्सिमम होने के बावजूद वहाँ पे वो लोग सोलर लगा नहीं सकते। सो वी आर इंस्टॉलिंग अ 24 सोलर ट्रीज इन अ गांधीनगर सिटी, एंड दैट इज़ अ पायलट एंड मॉडल प्रोजेक्ट फॉर अ गुजरात फॉर डेवलपिंग अ सोलर पार्क विद द हेल्प ऑफ सोलर ट्रीज। सो सोलर ट्रीज आर वेरी हेल्पफुल इन अ नियर फ्यूचर वेयर लैंड इज शॉर्टेज। थैंक यू। प्रोजेक्ट जहाँ हम रन कर रहे हैं वहाँ पे काफ़ी बार टेक्निकल हर्डल्स आते हैं, तो वो टेक्निकल हर्डल्स को कैसे कम ओवर किया जाए, और क्या क्या वो टेक्निकल हर्डल्स आते हैं, और मैक्सिमम कम से कम टाइम में वो हर्डल्स को किस तरह से टेक ओवर किया जाए, उसके बारे में EPC प्लेयर मिस्टर अंकित से रिक्वेस्ट करूँगा कि See, every project has its own cycle. So, talking about EPC industries, all projects go through these various stages, right from the engineering, then procurement, and then construction commissioning, right? So, as far as engineering is concerned, we basically, how an EPC developer has an, what does he do is, he conducts the site survey,
he prepares the drawings and then he prepares different revisions, revise the drawings and finalize the drawings based on the site conditions and the material selection. Once the drawings are prepared, they prepare BOM and then they procure the material. These things are simple. But when we come, we go on the site to install the plant, we face a lot of challenges. Like, okay, we have decided this particular area where we want to install the solar panels through the structure, and the there is a mismatch in the base level and all. So these are the hurdles that we need to look into first before we install. So whenever we start installation of the project, we need to carefully consider all these aspects, like whether my site has any ups and downs in the in different locations, whether the roof angle is proper or not, whether if I install the system, will it generate as I expected. So these technical hurdles will, we need to have this skilled staff, we need to have engineering perspective in order to install with efficiency, install the plant with efficiency. Once the plant is installed, we need to also look into the proper operation and maintenance activities. Like, if I don't operate it properly, if I don't maintain it properly, it won't have the generation as I expected. So these are basic hurdles which we need, but we have very good impact on the generation that we'll need to look into. Thanks. Thank you, Mr. Ankit. मैं जब कोई इन्वेस्टर जब प्लांट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ऊपर उसका फोकस रहता है, तो मैं मिस्टर गुरप्रीत से रिक्वेस्ट करूँगा कि परफॉर्मेंस इवेल्यूशन जो रहता है सोलर प्रोजेक्ट का, तो उसके ऊपर ROI के बारे में और उसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए. Sure, sir. So whenever we look at the project initially at the concept stage, one of the first questions that come in everybody's mind is which data set I should refer for. So usme you typically have two options which are very good from Indian perspective. You either go with Meteor Norm or you go with solar GIS data. But GIS is a paid data, so a lot of people don't opt for that. So people go with Meteor Norm or jo PVSyst ke andar, that is a default Meteor option that people use. It is have been found in the past that these data sets vary across. India is a big country, unlike Europe where the spread of the countries is more horizontal. We have a lot of vertical spread in the country. Latitude shift is a lot in the country. So the relevance of the database changes from north to south. So I can't say for India, Meteor Norm is the best correlation कि आपका जो आप estimate करना चाह रहे हैं वो अगर आपने Meteor लेकर किया है उतना ही generation बाद में आएगा. It might flip for South India, right? So it is important to factor those in. At least when we look from a ROI perspective, what radiation you are going to get is going to determine the most, and all your technology, engineering, operation and maintenance is going to be built around the radiation or the potential of that site. You know, agar site mein potential nahi hai, aap kitna bhi acha technology laga lo, kuch bhi laga lo, it is not going to work beyond a certain point and economics are not going to come. So choosing this data set very rightly, very wisely is very important, and especially from lenders' perspective it is important because they are investing 70% of the money in your project. 30% equity hai, 70 rupees 100 mein se banker ke lage hue hain. That's why when you talk to bankers, they only and only discuss resource assessment and they don't go much on the technology. If your technology is proven, they are good with it. So ye jo humne abhi we have launched this what is happening when in our O&M portfolio we are maintaining projects of 3.5 gigawatt, as I told earlier, that is the ground measured data that I have. Now that is very proprietary to Gensol, and wo hamare client ka data hai, so this is the term is known as anonymously aggregated data. So this is on ground measured data, to uska ek correlation we have tried to establish in the report, which is of course in front of the everyone on the panel. So we have compared this with 4 Meteor data sets, which is NASA data, NREL data, Meteor Norm and GIS, and we have tried to establish that at which location of the country your actual generation, on ground generation, plant lagne ke baad 4 saal chalne ke baad, which plant is closest to which data set.
So I think that is something which is the power of data which it holds when you start correlating, but it's important to have that data first. अभी की आज की कॉस्ट कटिंग में हमने स्काडा में से हमने आधा डेटा उड़ा दिया है, वी आर गोइंग ऑन जोन मॉनिटरिंग ऑल ऑफ दैट, सो यू नो इट सीवियरली इम्पैक्ट्स इन द लॉन्ग रन. कॉस्ट सेविंग कॉस्ट इज यू नो इट्स अ टारगेट टू द इंजीनियरिंग टीम, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज अचीव बाय द इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूशन, बट अनफॉर्चुनेटली द बर्डन इज पुश्ड टू द O&M टीम्स. सो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट में जितना खर्चा आएगा उतना आएगा, वो चाहे कमिश्निंग तक की टीम वाला भरे या फिर O&M वाला भरे, तो वो सिर्फ टारगेट है तो वो डेफर कर देते हैं उसको, बट समडे इट हिट्स बैक. या सो दैट्स अ फीडबैक. थैंक यू मिस्टर गुरप्रीत. सुबह से बात हो रही है अल्ट्रा लो टेंडर L1 रेट जो रहता है वो काफ़ी लो रहता है, और जिसकी वजह से क्वालिटी और एग्जीक्यूशन के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है. तो मैं मिस्टर केयूर से रिक्वेस्ट करूंगा और बाद में पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्ट्रा लो टेंडर की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर और प्लान के परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे. फॉरवर्ड टू मिस्टर केयूर. सो अभी जो प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, 2016 में 69,000 पर किलोवाट से रेसिडेंशियल्स जा रहे थे, अभी 42 के आसपास है, 42,000 प्लस GST. तो एक पॉजिटिव चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि जब प्राइस डाउन होती है तो वो ज़्यादा अफोर्डेबल होता है मार्केट में, और बहुत सारे लोग जो नॉर्मल लोग भी अभी सोलर पावर प्लांट को अफोर्ड कर रहे हैं. तो 42,000 या 45,000 के अंदर हम अगर EPC कंपनी चाहे तो एक क्वालिटी सॉल्यूशन हम डिलीवर कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, क्योंकि उस हिसाब से पूरे मार्केट में हर एक चीज़ का भी प्राइस रिड्यूस हुआ है. जैसे पहले मॉड्यूल जो 26 के आसपास आते तो वो भी अभी डाउन हुए. तो L1 रेट एक ऐसा, इस बार तो वैसे भी PGVCL ने दो स्टेप में डिवाइड करके दिया, जो अनवायबल रेट है वो गवर्नमेंट ने भी डिक्लाइन करके एक वायबल रेट पे हमें दिया कि आप इस पे काम करो और अच्छा एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करो. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है, जैसे 10 किलोवाट के से नीचे के जो भी प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, जो कि उसकी कीमत अराउंड 2000 से 3000 के आसपास होती होगी, तो उसके अंदर हम 16 square mm का केबल यूज़ करते हैं. तो अब उसका कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं होता जब उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है, तो 16 square mm कॉपर केबल से कुछ नहीं होता, वो इतना उसके अंदर करंट होता है वो वैसे भी जल जाएगा. और जर्मी की गाइडलाइन के हिसाब से एक ऐसी भी बात है कि 10 किलोवाट्स के नीचे के प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और जो अभी JEDA का टेंडर है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अब हो क्या रहा है कि हम अब ये रेसिडेंशियल्स के लिए इन्होंने मैंडेटरी कर दिया, तो वहाँ पर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं. जहाँ पे क्वालिटी देना चाहिए, जहाँ पे खर्च होना चाहिए पैसा, उसके जगह है हम लाइटनिंग अरेस्टर लगा रहे. इवन ऐसा भी फनी थिंग्स हो रहे हैं कि एक रूफ के ऊपर 2-3 kW के प्रोजेक्ट से तो 2 लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे ताकि वो सब्सिडी के वक्त कुछ इश्यू ना आए. तो अभी हम 21st century में इतना सारा टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं, इतने सारे एक्सपर्ट है, इतने मतलब सब एक्सपर्ट है, मेरे से काफ़ी सीनियर्स है, तो फिर भी ऐसी गलतियां करते हैं कि एक रूफ के ऊपर 2 लाइटनिंग अरेस्टर लगे, उसके नीचे 16 square mm केबल लगा, और ऐसे भी इंस्टॉलेशन है 16 square mm केबल 1 meter तक होगा, बीच में 4 square mm केबल जाएगा, नीचे फिर से 16 square mm होगा. क्योंकि पता ही है कभी भी इस लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ नहीं होने वाला, आप वहाँ पे 3000 एक्स्ट्रा स्पेंड करें, बेटर है कि वो जो पैसा है उसको स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथनिंग में ज़्यादा लगाओ. आप मॉड्यूल अच्छा परचेस करो, आप इन्वर्टर अच्छा, आप इवन प्रोटेक्शन बॉक्स इसके अंदर इंस्टॉल करो. तो ऐसी चीज़ें हैं जो देख के काफ़ी हम मतलब ये डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सही जगह पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. बाकी L1 रेट जो है वो अगर वायबल होता है तो क्वालिटी सॉल्यूशन दे सकते हैं मेरे हिसाब से. आई वुड लाइक टू ऐड अ फ्यू वर्ड्स टू व्हाट मिस्टर केयूर सेड. सी इन द स्टेट ऑफ गुजरात सिंस पास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव बीन ऑब्जर्विंग प्रेडेटरी प्राइजिंग फॉर रेसिडेंशियल टेंडर्स. लाइक बैक इन 2017 द प्राइज वॉज 69,000 रुपीज़ पर किलो वॉट, विच वॉज क्वाइट गुड, एंड पीपल हैव गेन लॉट ऑफ गुड मार्जिन्स आउट ऑफ दैट. देन लास्ट ईयर इट वॉज 48,000, ऑल ऑफ अ सडन 21,000 रुपीज़ पर किलो वॉट रिड्यूस. हाउएवर द प्राइजेज फॉर पैनल्स एंड इन्वर्टर्स हैव नॉट गॉट रिड्यूस दैट फार, and then this time the prices have gone even lesser than 48,000, like 45,000 or 46,000 per kilowatt
up to 10 kilowatt, we have 45,000. And all of a sudden, if I select one more panel, adding in this system size, the price goes right up to 37,000. Just ek panel add karne se 37,000 ho jata hai. And customer has good awareness. Aajkal customers kafi smart ho gaye. Wherever we go, we will find that this customer has already got 3 or 4 quotations from somebody else, right? So customer kya karta hai ki mujhe 9.9 kilowatt ka system nahi chahiye, mujhe ek panel add karke 10.23 ka karke de dijiye, taki mere ko price 37,000 hi dena pade rather than paying 45,000. Usme bhi fir aap subsidy ko deduct karke do, fir aapka subsidy kab aayega. So these are the very serious issues that government should look into. Jab JEDA ne tender nikala tha, unhone pricing jo hai wo capacity ka slots bana ke nikala tha, like system sizes for 1 to 6 kilowatt, those are single phase systems. Systems having three phase systems above 6 kilowatt up to 10 kilowatt, then 10 to 50 and then above 50. 50 ke upar normally residential mein koi jayega bhi nahi waise. To is tarah ka slot hota hai, to EPC developers ko bhi ek motivation milta hai ki acha mujhe isme kuch mil raha hai. Aaj main khud bata raha hu, mere jitne bhi aise clients hai jo mujhe bolte hai ki aap ek panel add karke mujhe 37,000 mein system offer kar do, main nahi karta unko. Because these clients only look into affordability. They don't give the priority to the quality. I want to select a quality material. Panels aapko tier 1 companies ke bhi mil jayenge aur tier 2 or tier 3 ke bhi milenge. Wo first year, second year mein aapko generation bana ke de bhi denge. Kai clients aise bhi hote hai ki mujhe 5 saal ka warranty period chahiye. Aap koi bhi inverter dal ke de do. 5 years ka waise bhi mera workmanship contract rehta hai under this tender program. Wo main aapko de dunga. 5 saal ke baad aap kya karoge? Not even inverter company or panel companies, jo tier 2, tier 3 wale hain, wo aapke sunenge bhi nahi ki aapka warranty period khatam ho gaya, now you have to pay extra ya fir kuch naya inverter le lo, laga ke dal do. So ye jo ultra low bidding wala jo point jo mention kiya hua hai agenda mein, ye kafi serious issue hai. Bas every year aap dekho, last year bhi aisa tha pre-bid meeting mein, jab people from Gujarat, Rajkot mein jaake discussion kiya tha. कई लोगों ने ऐसा बोला था कि आप हर लोगों को अपॉर्चुनिटी मत दो, बिकॉज देर आर 550 कंपनीज इन द स्टेट ऑफ गुजरात हु आर रनिंग सोलर इंडस्ट्री अंडर दिस रेसिडेंशियल सेक्टर. 550 में से हार्डली 100 कंपनीज होगी जिनके पास टेक्निकल बैकग्राउंड है, टेक्निकल नो हाउ है, एक्सपर्टीज है. बाकी सारे लोग कई, मैंने एक, आई वुड पर्सनली टेल यू, अहमदाबाद में एक साड़ी की दुकान वाले ने भी सोलर का बिजनेस स्टार्ट किया है और वो मेरे दो प्रोजेक्ट लेके चला भी गया है. सो ये फेस करना पड़ता है हम लोगों को. सो नो, माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज टू द गवर्नमेंट, इज गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली लुक इनटू द प्राइसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स, क्वालिटी को थोड़ा प्राधान्य दीजिए, प्रायोरिटीज दीजिए. या फिर अगर आपको ऐसा ही करना है तो जब आप एडवर्टीजमेंट वो बड़े से पेज में न्यूज़पेपर में निकालते हो, वहाँ पर नीचे लिख दीजिए कि इसमें आपको बेस आइटम ही मिलेगा. इसका अगर आपको गोल्ड प्लेटेड चाहिए सोलर पैनल तो उसका कॉस्ट अलग से होगा, यू नीड टू मैंशन दैट ऑल्सो. So, ये एक मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से. ये आप बात कर रहे हो यूनिटी की बात कर रहे हो, हम में यूनिटी नहीं है, इसीलिए तो अंग्रेज लोग आके यहाँ पे जीत के गए हैं. 400 साल हम पे जो राज किया, ये यही रीज़न है. आज यही होता है. आज मान लीजिए कि कोई फ्रस्ट्रेटेड पर्सन होगा, आप लोग बोलोगे कि अगले साल टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग, वी विल कंसिडर द क्वालिटी ओवर द प्राइसिंग, उसको लेके हम लोग बिड करेंगे. कोई 3-4 ऐसे नवीरे आपको मिल ही जाएंगे जो पूरा उसको आपकी सोच को गिरा के नीचे ला देंगे. तो यहाँ पर किसको एक्शन कौन ले सकता है? हम लोग नहीं ले सकते, बिकॉज हम तो 500-600 की नंबर तादाद में जाने वाले हैं. एक्शन लेने वाली पार्टी जो है वो गवर्नमेंट है, उसको प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, पूरा मैसेज प्रॉपरली कन्वे करना पड़ेगा. अभी भी आप देखिए सूर्य गुजरात पॉलिसी जो है PGVCL की वेबसाइट पर जाएगी, आपको मिल जाएगी पॉलिसी. वो पॉलिसी अगर आप डाउनलोड करिए, गुजराती में भी है, इंग्लिश में भी है. उसमें आप पढ़ेंगे तो दो प्राइसिंग दिए हुए हैं. एक कंपनी है जिसने वो काफ़ी प्रेडेटरी प्राइसिंग किया था, उसका सेपरेट से प्राइसिंग दिया हुआ है कि जिन जिन कस्टमर्स को इसके साथ डलवाना है वो ये प्राइस पे करेगा, बाकी लोगों के साथ काम करवाना है तो ये प्राइस होगा. ये क्या है? दिस इज नॉट फेयर दैट गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू. दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट.
Thanks. Thank you, Mr. Ankit. ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेनिफिट रह पाएगी और उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस में क्लीनिंग वगैरह के लिए क्या क्या चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ये मैं मिस्टर हिम्मत से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके ऊपर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताए. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. So there are two kind of operation maintenance we can say over here. If we are talking about the utility scale power plant, then the scenario is totally different. And cost structure, payback period, everything is so different for that. If you are talking about rooftop, then like particularly we talk about rooftop, then there are a lot of things in this. EPC partners are providing 5 years performance warranty to the developer and the owner of the plant. That time they are facing a lot of problems, like sometimes components not working properly and they are not able to inspect the component and rectify, like which component is not working proper and having errors in that. And the first thing is that, like, inspection of the components. Right now people are doing manually to that, it about wire or any other component like inverter or panels or something like that. So there's some technologies like thermal imaging is there as of now for inspecting the panel quality first. So that is happening for rooftop, and I think that is only feasible because we can't put drone and these things for small rooftop plants. And when we go in cleaning, the major problem in rooftop is the accessibility. There are some plants which are so high in the roof, so people can't reach to that. Otherwise, people can clean 4-5 panels, not problem in cleaning. And we Indians are very used to it, like we are not that egoistic in this thing. So, but problem is that accessibility. In that case, there are some automatic solutions are there. Even we are providing for rooftops. That is wet cleaning system. We can install some sprinkler and the whole pump system, and that can be automated even with a mobile app. So persons can just switch on the button from mobile app and sprinkler will start automatically by the pump. So that is there. Other thing, the mechanical cleaning system, like robotic cleaning system, which we are providing for megawatt scale plant, that is not feasible for the rooftops. Even for the megawatt scale, the first question we got from our customers is that what is the payback period? And that is very tough question for me even. So for rooftop, if I say in the cleaning, so sprinkler and wet cleaning system is feasible if plant is not accessible. Otherwise, manual cleaning is, as of now, is perfect. And some other thing like street light is there. That is also a big market for solar. In that, even cleaning and O&M problems are there. So for a street light, if I talk about cleaning, someone can do by, if it's light nearby, then we can do by the drones and these things. Yeah, so these are the things which I put into point. And other things which, like there are a lot of technologies which are working. Like recently, if we are seeing this report, then like data is analyzed in a very proper way and we can see like in which region, which kind of data is going to be in future and throughout the year even. Data, I mean, I need to say what is the generation will be there. And when people are analyzing the performance and then they are reporting, preparing the feasibility report and generation report before installation of the plant and after installation of the plant, there's a huge gap. O&M is just part of it. Other than O&M, there are a lot of issues like we are not, like potential which we are calculating before installation, that is not proper, then still we'll gap the, still we'll find the gap between the installed capacity and the generated capacity. Yeah, so these are the points from my side. I'll so quickly add to this. So as you told, so every technological development has a cost cycle. Wo dheere dheere uska price niche aayega when people start to see those return on investments once they start investing and owning those things. So it's not only about the technological innovation, I think it's also around the business model innovation around it. So for example, we as aggregators or O&M, what requests we have started getting from clients is that, see, we have presence. For example, Bhopal ka example lijiye. Wahan pe there are 80-90 rooftops. So if I invest in 12 robots over there, I'll be able to cater to those 90 rooftops with robotic cleaning vis-a-vis those 90 people individually buying those robots, which is going to take a lot of time till the time pricing aaye aur fir usme wahi ek aaj robotic hai fir char aur aa jayenge fir wo price war ban jayega. Right, so it's very important to have business model innovations around it, and this is going to happen when the aggregators come into picture and they absorb the latest technologies, start putting these and deploying these technologies on ground, and people start seeing those benefits. And that is, I think, going to increase the acceptability in the market rather than owning those assets from day one. So I think that is one of the things which industry, at least, we are seeing from our clients.
Thank you, Mr. Singh. Thank you, Dias. We are now forward mic to EQ team. Thank you for give us this opportunity. Would like to thank all the gentlemen on the dais. Thank you so much. Big round of applause for all the gentlemen. Now, I will request Mr. Nilesh to present a token of appreciation to co-panelists.